नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में जो भी वैकेंसीज प्रस्तावित थी सरकार के द्वारा और जो जो वैकेंसीज आने वाली थी, उन सभी के नोटिफिकेशन, लगभग सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक भर्ती ऐसी है जिसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। तभी विद्यार्थियों को इस वैकेंसी का इंतज़ार है, पटवारी भर्ती 2018, जो कि 2000 पदों पर आने वाली थी। इससे पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी है कि पटवारी भर्ती लगभग 2000 पदों पर होगी और इसका रीज़न वीडियो में आगे आप देख सकते हैं कि अभी का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है। तो वो सभी जानकारी इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, कब तक इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, संभावित तिथि क्या रहेगी। तो आज की ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर की ये न्यूज़। कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्व मंडल को लौटाई अभ्यर्थना, पटवारी भर्ती। गुर्जर समेत 5 अन्य जातियों के लिए 5% आरक्षण से कर दिया था वर्गीकरण। न्यूज़ में आगे आप देख सकते हैं, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन भर्ती बोर्ड ने पटवारी के 2000 पदों पर भर्ती के लिए राजस्व मंडल द्वारा आरक्षित वर्ग के अनुसार वर्गीकृत भेजी गई अभ्यर्थना को लौटा दिया है। और हमारे चैनल के माध्यम से पहले को जानकारी दी गई थी कि अभ्यर्थना राजस्व बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थना भिजवा दी गई है और आज की न्यूज़ के अनुसार अभ्यर्थना को वापस लौटा दिया गया है। रीज़न आगे आप देख सकते हैं, हम मंडल को नए सिरे से वर्गीकरण करते हुए पुनः अभ्यर्थना भेजनी होगी। राजस्व मंडल ने भर्ती में गुर्जर समाज सहित 5 जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% आरक्षण का वर्गीकरण करते हुए चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस जाति के लिए MBC के तहत फिलहाल 1% आरक्षण ही लागू किया है। ऐसे में चयन बोर्ड ने मंडल द्वारा भेजे गए वर्गीकरण को गलत बताते हुए संशोधित वर्गीकरण के साथ अब अभ्यर्थना मांगी है। तो दोबारा अधीनस्थ बोर्ड ने दोबारा राजस्व मंडल से अभ्यर्थना मांगी है। अब पदों की संख्या आप देख सकते हैं, 3500 की आवश्यकता। राज्य में पटवारियों के रिक्त पदों की भरपाई के लिए करीब 3000 पदों पर भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल 2000 पदों की स्वीकृति दी गई है, जबकि अगले वर्ष मार्च तक करीब प्रदेश में 3500 पद रिक्त हो जाएंगे। तो मार्च तक 3500 पद पटवारियों के रिक्त होने वाले हैं। ऐसे में मंडल का प्रयास है कि बोर्ड को नई अभ्यर्थना भेजने के साथ सरकार से 1000 पद की और अनुमति प्राप्त कर ली जाए, ताकि अलग अलग भर्ती के बजाय एक साथ 3000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। इधर पटवारी बनने की शैक्षिक योग्यता भी 12वीं कक्षा से बढ़ाकर स्नातक कर देने पर राजस्व मंडल को अभ्यर्थना में शैक्षणिक योग्यता में भी संशोधन करना होगा। और ये राजस्व मंडल ने इसका नोटिफिकेशन अभी 2 या 3 दिन पहले जारी कर दिया गया था कि पटवारी भर्ती के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो स्नातक रहेगी। ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस भर्ती में आवेदनों की संख्या में भी अब कमी आने वाली है, क्योंकि योग्यता में बदलाव होगा और इसका नोटिफिकेशन अभी 2 या 3 दिन पहले राजस्व मंडल के द्वारा जारी कर दिया गया था, संशोधन पत्र। और इसकी अब जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आप मान सकते हैं कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, पूरी संभावना है। जैसे ही राजस्व मंडल दोबारा से पदों का वर्गीकरण करके अधीनस्थ बोर्ड को लौटाता है, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। और आगे के अपडेट्स के लिए जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा उसकी सूचना जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। और इस पटवारी वैकेंसी को लेकर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, उसका सॉल्यूशन आपको कोशिश करने की हम कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जिन विद्यार्थियों ने अभी तक RSCIT कोर्स नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें आवेदन करें, क्योंकि पटवारी वैकेंसी में इसकी आवश्यकता होगी। तो जल्द से जल्द आप RSCIT का कोर्स करें, या पहले से आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है जो वैलिड डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे जिन विद्यार्थियों ने PGDCA किया है, BCA किया है, उन विद्यार्थियों को RSCIT की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें RSCIT करें। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर लिस्ट आप देखना चाहें
तो पटवारी वैकेंसी का पहले का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी दी गई है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।